तकनीकी और ऑपरेशनल वजूहात के बायस मुतअद्दिद परवाज़ें मनसूख की गई। कराची से दुबई एयरब्लो की परवाज़ PK-110 मनसूख हो गई। कराची से मुल्तान एयरब्लो की परवाज़ PK-807 मनसूख की गई है। तकनीकी और ऑपरेशन वजूहात के बायस मुतअद्दिद परवाज़ें मनसूख की गई। कराची से दुबई एयरब्लो की परवाज़ PK-110 मनसूख की गई, जबकि कराची से मुल्तान एयरब्लो की परवाज़ PK-807 भी मनसूख की गई है। कराची से लाहौर सीरेन एयर की परवाज़ ER-524 और 522 भी मनसूख की गई। इसी तरह से कराची से इस्लामाबाद सीरेन एयर की परवाज़ ER-504 भी मनसूख कर दी गई है। बात करने के लिए अक्सर शाहिद हमारे साथ मौजूद है। अक्सर बताइएगा, मुतअद्दिद परवाज़ें मनसूख की गई हैं, कब तक इन्हें बहाल कर दिया जाएगा? बिल्कुल, रोजाना रवाना नारी की परवाजें मनसूख की जाती है, इनको जो है बहाल नहीं किया जाता है, बल्कि ये होता है कि मुसाफिर जो है वो परेशान होते हैं या फिर मुसाफिरों को जो है दूसरी परवाज में जो है वो एडजस्ट किया जाता है। जैसे कि कराची दुबई जाने वाली एयरब्लू की परवाज PA-110 मनसूख की गई है। कराची से मुल्तान रवाना होने वाली एयरब्लू की परवाज PA-807 भी मनसूख की गई, जबकि रोजाना की तरह कराची से लाहौर जाने वाली की परवाज ER-522 और 536 जो है वो मनसूख है। इसमें हम देखते हैं कि अक्सर बेहतर जो है ये मनसूख होती रहती है, बहुत कम जो है ये रवाना होती है। इसी तरह इस्लामाबाद से इस्लामाबाद की सीरेन एयर की परवाज ER-504 भी जो है वो रोजाना मनसूख की जाती है, जबकि सियाल की लाहौर रवाना होने वाली परवाज PA-145 की अगर हम बात करें तो ये भी ज्यादातर जो है वो अक्सर मनसूख ही रहती है। कराची से कोयटा जाने वाली PA की परवाज PK-310 भी आज मनसूख की गई है, जबकि लाहौर रवाना होने वाली PA की परवाज PK-302 और 306 भी मनसूख की गई। इस तरह सखर रवाना होने वाली PA की परवाज PK-536 भी अब जो है वो रोजाना मनसूख की जा रही है। इस्लामाबाद रवाना होने वाली PA की परवाज PK-368 भी जो है वो आज मनसूख की गई है। हम देख रहे हैं कि ये वो परवाजें हैं जो मुस्तकिल तौर पर जो है वो मनसूख ही रहती है किसी ना किसी खराबी के बाद। जी बहुत शुक्रिया अक्सर शाहिद आपका।